Shoshi and today in our video we are going to see 16th August 2019 current affairs. So let's start our today's video. First question of today's video is Kuraj will be a separate commando unit of Kuraj jo hai wo kiski separate commando unit hogi. So Kuraj jo hai separate commando unit hogi kiski yahan pe रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है. अब इसका काम क्या होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस आप देख सकते हैं आरपीएफ, इनका काम होता है पैसेंजर्स से जुड़ी सारी सिक्योरिटी वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द इंडियन रेलवे, हमने ऊपर ही डिस्कस किया. सो कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी यानी कि कोरास को लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ जल जीवन मिशन स्कीम. जल जीवन मिशन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट की बात करें तो ये है रुपीज 3.5 लाख करोड़. क्वेश्चन नंबर फोर, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब. वेल ये तो काफी आसान है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब जो है वो है अमरिंदर सिंह. सो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है. अब चूंकि हमने पंजाब की बात की है तो दो तीन क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड भी देखेंगे. जंगे आजादी और जंगे आजादी मेमोरियल हैज बीन बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ. सो जंगे आजादी मेमोरियल जो बना है वो किसकी याद में बना है, फ्रीडम फाइटर्स की याद में, ट्रीट ऑफ पानीपत की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक, हैदर अली. सो सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, इनफैक्ट बी भी नहीं है. तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, फ्रीडम फाइटर्स. फ्रीडम फाइटर्स के याद में जो है वो जंग ए आज़ादी मेमोरियल को बनवाया गया है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेयर इज द जंग ए आज़ादी मेमोरियल लोकेटेड. अब भाई ये है कहाँ पे, तो जंग आज़ादी मेमोरियल जो है वो है पंजाब में और आपको बताऊँ ये पंजाब के करतारपुर में है. और ये जो है ये क्यों बनवाया गया और किन की याद में बनाया गया है, तो ये जो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स की याद में बनवाया गया है. आपको पता होगा जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था उसके बाद से मतलब काफ़ी जो निर्दोष लोग थे वो मारे गए थे उस बाग में, उनकी हत्या कर दी गई थी, काफ़ी हमारे फ्रीडम फाइटर जो है वहाँ पे शहीद हुए थे. साथ ही साथ अंडमान निकोबार की जो है एक जेल में, क्योंकि वहाँ पे एक काले पानी की सजा टाइप होती थी, तो वहाँ पे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा गया था. एंड दोज वर द अनसंग हीरोज. अनसंग हीरोज क्यों, जैसे कि मैं संग हीरोज की बात करूँ तो इसमें आ जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ये सारे लीडर्स जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, तो ये संग हीरोज है, मतलब शुरू से लेके अब तक जानते हैं और आने वाले टाइम में भी हम इनको जानेंगे. बट कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बट लोग उनको जानते नहीं है. सो दीज आर अनसंग हीरोज, मतलब उनको इतना गाया नहीं जाता है. तो जंगे आज़ादी मेमोरियल जो कि पंजाब के करतारपुर में बना है वो फ्रीडम फाइटर्स की याद में बनवाया गया है. क्वेश्चन नंबर सेवन भी है, एज पर पीएम्स अनाउंसमेंट विच ऑफ द पोस्ट इज टू बी क्रिएटेड इन द डिफेंस. बहुत बड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है 15 अगस्त को की थी ये, कि डिफेंस में जो है एक नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है और ये जो पोस्ट है ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की. चलिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए तीन तरह की फोर्स है, एक तो होगी हमारी आर्मी, दूसरी होगी हमारी नेवी, आई मीन जिसे नेवी, और तीसरी जो है हमारी है एयरफोर्स. अब तीनों ही फोर्स में इनके चीफ है यानी कि उस फोर्स का हेड, लेकिन अब जो ये जो नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, इसमें जो है ये जो ऑफिसर 4-स्टार ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया जाएगा ये तीनों ही फोर्स का हेड होगा. ठीक है, तो तीनों ही फोर्स का कमांड इसके हाथ में होगा. क्वेश्चन नंबर एट, एनसीएपी हैज प्रपोज्ड टू रिड्यूस नेशनल लेवल एयर पोल्यूशन बाय 20-30% बाय. सो एनसीएपी ने जो है जो स्कीम लगा ली है लाइक नेशनल लेवल पोल्यूशन कम किया जाए 20-30% तक, ये 2024 जो है इसका टारगेट रखा गया है. सो लेट्स सी कितना जो है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है. क्वेश्चन नंबर नाइन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टू मॉडिफाई द डैश. सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी कि एनसीएपी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डायरेक्ट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट डायरेक्ट कर रही है और इसको जो है इम्प्रूव किया जा रहा है मॉडल को.
इस प्रोग्राम को, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को. क्वेश्चन नंबर 10, आल्सो द लास्ट वन, अंडर विच स्कीम डिड 16 इंडियन स्टेट्स साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ मिलकर 16 राज्यों ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है. इसके तहत, और ये किस स्कीम के तहत हुआ है ये भी बता दूं, समर्थ स्कीम. अब ये है क्या समर्थ, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा, मतलब हर चीज में सक्षम, डिपेंड मतलब इंडिपेंडेंट, खुद करेंगे जो करेंगे. सो समर्थ स्कीम के तहत ये टारगेट किया जा रहा है कि 16 राज्य के जो लोग हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की देख रेख में सेल्फ डिपेंड बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए और स्किल्ड वर्कर बने. सो ये सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा ताकि वो समर्थ बन सके. हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ 16th अगस्त. आई होप यू गाइस फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. टिल द टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब शो शेयर फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस. वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो.